दोस्तों, तो आज मैं जिस जगह में जाने वाला हूँ वो बहुत ही कम ही लोगों को पता है इस वाटरफॉल के बारे में। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रोक्स 47 किलोमीटर। मैं भी पहले मैं धर्मनगर से जाऊँगा पैथरथल, उसके बाद पैथरथल से वहाँ से ब्रांच रोड है, वहाँ से हम लोग जाएंगे। दोस्तों, तो अभी 2:30 बज रहा है, अभी हम लोग निकलने वाले हैं, मैं और मेरा एक दोस्त। तो चलिए चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग, अगेन अनदर ब्लॉग। मेरा डेस्टिनेशन प्लेस है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एक वाटरफॉल है, जो हमारे त्रिपुरा का वाटरफॉल है, उसका नाम है बुद्ध वाटरफॉल। और उसको वो जिस जगह में है उसको बोलते हैं तिलछरा वाटरफॉल। तो मैं जा रहा हूँ आज वहाँ पे, तो बने रहिए मेरे साथ। ये जो रोड है धर्मनगर और पानी सागर का रोड है। अभी तक तो जो मौसम है, मौसम का हाल तो अभी ठीक ही है, अब आगे क्या होगा पता नहीं है, वो तो भगवान ही जानते हैं। आगे ठीक ही हो, सब सही से हो जाए, यही दुआ है भगवान से। It's time to refueling. ये रहा हमारा फर्स्ट जो रेलवे क्रॉसिंग। ये जो रोड जाता है ये धर्मनगर और अगरतला का रोड है, असम अगरतला का रोड है। ये देखिए, वेलकम टू पानी सागर। तो हमारा इस साइड का जो रोड है ना, हमारा त्रिपुरा का रोड पूरा देखिए मक्खन की तरह है, देखिए पूरा मक्खन जैसा। जैसे कि मैंने बोला था, जो आज का जो डेस्टिनेशन प्लेस है वो ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो पैथरथल जो जगह है ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सामने है पानी सागर बाजार। तो देखिए ऊपर कितना सुंदर नीला आसमान देखिए, और बादल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए ऊपर ऐसे ही आज का जो मौसम ऐसे ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। डोलूबारी, हम लोग डोलूबारी एंटर कर चुके हैं। ये रहा होली क्रॉस स्कूल, ये देखिए। तो दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि मैं हर वक्त त्रिपुरा के लेके क्यों इतना ब्लॉग करता हूँ, या त्रिपुरा के बारे में इतना क्यों बताता हूँ। तो ये बात है उन दिनों का
जब मैं अपना कॉलेज के सिलसिले में अपना जो कोर्स के सिलसिले में हम लोग ट्रेनिंग में गए थे साउथ इंडिया केरला में, तब हम लोगों को वहाँ पे जो आदमी है आदमी लोग पूछते थे कि आप लोग कहाँ से हो, तो हम लोग जब बोलते थे हम लोग त्रिपुरा के हैं तो वो लोग बोलते थे अरे भाई त्रिपुरा कहाँ पर है, बांग्लादेश में है क्या। तब माँ कसम बहुत गुस्सा होता था, बहुत गुस्सा होता था, या कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो हमारा हमारे टीचर थे, फैकल्टी थे हम लोगों का, इसलिए बहुत गुस्सा होता था। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, स्पेशली त्रिपुरा के जो यहाँ के जो नेचुरल प्लेसेस है और यहाँ का जो जो नेचुरल ब्यूटी है वो टूर करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि आप भी जानिए जो हमारे त्रिपुरा में भी बहुत खूबसूरत जगह है टूर करने वाला। थोड़ी देर में हम लोग पैसा तो हैंडल कर लेंगे, उसके बाद जो ब्रांच रूट से हम लोगों को जाना पड़ेगा, कच्चा रास्ता है, उस कच्चे रास्ते से हम लोगों को जाना पड़ेगा। देखिए सामने धुंधला हुआ पूरा रास्ता, कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए सामने पूरा धुंधला, देखिए पूरा फ्री में पाउडर मिलेगा यहाँ पे। जो ब्रांच रूट के बारे में बोला था, हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं और जो हमारा डेस्टिनेशन प्लेस का जो ब्रांच रोड है बुद्ध वाटरफॉल शिल छड़ा, ये देखिए शिल छड़ा वो टूरिस्ट प्लेस का जो बोर्ड साइन हुए, देखिए आगे का रास्ता देखिए दोस्तों। अगर राइड में अगर एडवेंचर ना हो तो ऑफ रोडिंग ना हो तो मज़ा नहीं लगता है ना, तो ऑफ रोडिंग तो बनता है ना बहुत। सब आदमी जो मक्खन की तरह रोड में चलाने के लिए सब राइडिंग करते हैं, लेकिन उस राइडिंग में मज़ा कहाँ पर है, ठीक है ना। मज़ा तो ऑफ रोड में आता है भाई। हाँ वही तो बात है ना, बाइक फंस गया है। दोनों साइड में देखिए कैसा जंगल है, जंगल में, लेकिन मंगल नहीं करना भाई मंगल करना बहुत बुरा है जंगल है तो ट्रिप का मजा लो, एडवेंचर करो। जो हमारा त्रिपुरा का जो टूरिस्ट प्लेस है उसका मजा लो, देखिए उस साइड में व्यू देखिए दोस्तों, क्या व्यू है देखिए, व्हाट ए व्यू। अगर आपको ऐसा एडवेंचर करने का अगर आप करते हैं या शौक रखते हैं एडवेंचर में, तो आप त्रिपुरा में आ रहे हो तो प्लीज़ विजिट कीजिए इस प्लेस को, यहाँ पे विजिट कीजिए और सफ़र का मज़ा लीजिए।
और ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग थोड़ा ब्रेक लिए हैं अभी। तो आप लोगों ने देखा कि एडवेंचर ही एडवेंचर, चैलेंजेस ही चैलेंजेस मिल रहा है रास्ते पे। कैसा रास्ता का हालत है आप लोगों ने देख ही लिया। तो देखिए, मन्ना अभी थोड़ा अपना वीडियो शूट कर रहा है, वो भी थोड़ा ब्रेक ले लिया है, वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा हम लोगों ने पानी भी पिया। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पानी लेके आना, जितना चाहे उतना पानी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आने से आप लोगों को बॉडी में बहुत बहुत ही पसीना निकलेगा, इसलिए बॉडी डिहाइड्रेटेड होने का चांसेस होगा। ये देखिए, और ये आई थिंक वाटरफॉल का ही पानी से कहीं से बह के आ रहा है। चलो चलते हैं भाई, चलो। ये देखो बच्चे पार्टी यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए ये देखिए बच्चे पार्टी, आदमी बोलते हैं ना, अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलता है। तो आज का स्ट्रगल यही है, और पता नहीं है आगे जाके और कितना ऐसा रास्ता मिलेगा। मैंने सोचा था रास्ता ठीक हो गया है, लेकिन जो मैंने सोचा सुना था वो सही नहीं, गलत था। रास्ते का हालत जैसे कि तैसे ही है, जैसे मैंने 2 साल पहले जब आया था। मेरा जो दोस्त है, दोस्त बोल रहा है और कितना दूर, उसको डर लग रहा है। ऐसा रूड होने से थोड़ा तो डर लगना, मतलब नॉर्मल से बात है। ये देखिए व्यू पॉइंट यहाँ का, हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों। देखिए ये रहा बाइक, यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। देखिए टूरिस्ट है यहाँ पे आए हैं, देखिए बाइक, देखिए स्कूटी, देखिए आज। तो चलिए पहुंच गए हम लोग, हम लोग पहुंच गए जो हमारा आज का डेस्टिनेशन प्लेस था, हमारा जो मंजिल था। ये देखिए ये सब नया नया बना हुआ है, देखिए ये सीढ़ी, देखिए ये साइड में जो देख रहे हैं, ये देखिए वेलकम। मैंने जैसा सुना था कि कुछ दिनों पहले जो हमारा त्रिपुरा का जो सीएम साहब आए थे और आके इस जगह को प्रमोट करके गए हैं, देखिए। इसलिए यहाँ पे देखिए टिकट काउंटर भी बन गया है यहाँ पे। ये देखिए सामने लिखा है सिलछेड़ा बुद्ध वाटरफॉल। देखिए ये देखिए जो आज का हमारा डेस्टिनेशन प्लेस सिलछेड़ा बुद्ध वाटरफॉल, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना अभी, ये जो साइड में जो रेलिंग देख रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, करीब 2 महीने जो टिकट काउंटर का जो आदमी बोल रहा था, करीब 2 महीने हुआ ये सब बना। जो सफ़र जो यहाँ से है, हम लोगों को पैदल करना पड़ेगा। देखिए कितना लंबा सफ़र है यहाँ से, करीब मानना है कि जो हमारा जो वाटरफॉल का जो डिस्टेंस है करीब 1 किलोमीटर के आसपास ही है। ये देखिए रेस्टिंग प्लेस, जो आप चल चल के अगर आप थक जाओ तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। देखिए तो हमें अभी रेस्ट नहीं करना है, अभी हम लोगों को जाना है जो हमारे मंजिल के ओर। सामने देखिए, वो देखिए मानना जा रहा है, हम लोग ऐसे जाके वैसे जाना है। डिस्टेंस बहुत
दूर है। मैं जब 2 साल पहले आया था ना, तब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जो ये जो है ना ये जगह हम लोग पैदल पार किए थे, ये जगह नीचे उतर के पानी में हम लोग पार किए थे। ये देखिए अभी तो देख रहे हैं, जो हमारा जो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इस जगह को प्रमोट किया है त्रिपुरा टूरिज्म को, इसीलिए देखिए कितना सुंदर हो गया है अभी। नहीं तो हम लोग पहले ये जो देख रहे हैं नीचे, हम लोग पानी से ऐसे पैदल जाके हम लोग इस जगह को पार किए थे। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट को दिल से हम लोग शुक्रिया कहने वाले हैं। आ रहे हो तो त्रिपुरा में तो जरूर बुद्ध वाटरफॉल को विजिट करना, बहुत ही सुंदर है। पूरा रास्ता देखा ने आपने एडवेंचर से पूरा भरा हुआ है। और एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पे आते हो तो पानी का बोतल लेके आना, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। अभी तो हम लोग उतर रहे हैं इसलिए हम लोग को उतना तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन चढ़ने के टाइम में हालत पूरा खराब हो जाएगा। हम लोग अभी साउंड पा रहे हैं कि इधर टूरिस्ट जो बहुत सारे आदमी हैं। ये पिकनिक चल रहा है यहाँ पे। एंजॉय ब्रो, एंजॉय। पानी का आवाज आ रहा है तो आप लोग सुन रहे हैं पानी का जो वाटरफॉल का साउंड मिल रहा है यहाँ से। ओह, मानना हम लोग जो आए थे ना, जो उस रास्ता दिखाया ना, हम लोग ऐसे पत्थर से इस दिखाया, उस ब्रिज से नीचे होके हम लोग ऐसे पत्थरों से ऊपर से हम लोग जो मंजिल है ना, जो वाटरफॉल का जो मंजिल है वहां तक हम लोग गए थे। तो अभी तो इसलिए बोला ना, अभी तो बहुत सही हो गया है, एकदम सही हो गया है। पूरा एकदम झकाझक टपाटप हो गया है पूरा, इसलिए अभी तो टिकट भी चाहिए। जो हमारा डेस्टिनेशन प्लेस था दोस्तों, देखिए हम लोग आ पहुंचे हैं। देखिए बुद्ध वाटरफॉल, वो देखिए बुद्ध देव, देखिए इसीलिए यहाँ का जो वाटरफॉल का नाम ही है बुद्ध वाटरफॉल। और इस जगह का नाम है सिलछरा, इसीलिए इसको सिलछरा वाटरफॉल भी बोलते हैं। देखिए बहुत तेज हवा चल रहा है यहाँ पे, जो पानी का पानी के साथ जो हवा आ रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा ठंडा ठंडा हवा, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा हवा। हम लोग अभी जा रहे हैं पानी में। ये देखिए मन्ना दोस्त कैसा लग रहा है बोलो। आज तो तुम्हें आने का भी मन नहीं था, प्लान नहीं था, सडनली आके कैसा एक्सपीरियंस हुआ? बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों कुछ सिनेमेटिक शॉट का मजा लीजिए। कचरा मत फेंक के जाना, इस जगह को क्लीन रखना। कोई भी जगह में जा रहे हो तो कचरा या कूड़ा मत फेंकना, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लेस को खूबसूरत ही रहने देना। ओ, 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 ओ,
अन्ना भाई ने फोटो उठाया है, पूरा प्रो पूरा प्रो वर्जन का फोटो है, पूरा नेक्स्ट लेवल पूरा। और अभी थोड़ा बहुत फोटो भी चल रहा है, क्योंकि इतना सुंदर जगह में आके अगर फोटो नहीं लिया तो क्या लिया, ठीक है ना। मेमोरी तो चाहिए, देखिए कितना क्लियरिटी है जगह का। देखिए अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, पूरा जो पहाड़ का जो पूरा नीचे है, अगर ये जो ऊपर देख रहे हैं जो ये जो पहाड़ है, अगर ऐसा कुछ हुआ हम लोगों का धक्के धक्के हो जाएगा पूरा हम लोगों का कचूमर पूरा पूरा चले जाएंगे ऊपर। बहुत ही मजा किया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा आके, बहुत ही मज़ा लग रहा है अभी। दोस्तों अभी हम लोग अभी वाटरफॉल से अभी धीरे धीरे हम लोग अभी निकल रहे हैं। दोस्तों देखिए, वो देखिए चिप्स का पैकेट, वो देखिए नीचे बोतल, वो देखिए बोतल वगैरह, सब सब लोग पूरे फेंक के गए हैं। तो आप अगर आते हो तो प्लीज़ ये सब मत फेंकना, इतना सुंदर इतना सुंदर जो स्पॉट है इसको साफ सुरक्षित रखना। तो ये रहा हमारा लास्ट व्यू, अभी थोड़े देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यही था बुद्ध वाटरफॉल, सिलसरा वाटरफॉल। अगर आपको अच्छा लगा है तो अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और बताना कमेंट्स में कैसा लगा त्रिपुरा का ये वाटरफॉल। तो चलिए, तो दोस्तों अभी बारी है चढ़ाई का। अभी हम लोग जब आने के टाइम में तो हम लोग फुल टू फुल एनर्जी से जोश से हम लोग उतर गए थे, अभी बारी है चढ़ाई करने का। तो अभी देखते हैं कितना जोश है, किसमें कितना है दम, मानना चल देखते हैं। हम लोग का हालत देखिए, अभी पूरा एकदम खत्म, कपड़ा का हालत देखिए पूरा क्या है, पूरा पसीना से पूरा भीग चुका है, पूरा पानी पानी हो गया है। सही पानी पानी हो गई हालत है, पूरा पानी वानी वाला हालत है। तो दोस्तों अभी बारी है बुद्ध वाटरफॉल को बाय बाय करने का। तो बाय बाय बुद्ध वाटरफॉल, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय। और अभी घर का सफर शुरू होगा। दोस्तों देखिए, मानना को उसको घर मैंने छोड़ दिया, अभी खत्म होता है सफर। पूरा बॉडी पूरा टायर्ड हो गया है, दोनों थक गए हैं, पूरा बॉडी पेन कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।